फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते हैं। किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं। नमस्कार, इस वक्त देश में कई मुद्दे छाए हुए हैं, इनमें बेरोजगारी, महंगाई से लेकर किसान आंदोलन भी शामिल है। कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार कई मोर्चों पर फेल साबित होती हुई नजर आई, यही वजह है कि विपक्ष मोदी सरकार को जमकर घेर रहा है। देश में ऐसे कई तबके हैं जो मोदी के समर्थन में हैं, जबकि कई तबकों के निशाने पर मोदी सरकार रहती है। इन सब के बीच आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से कराने जा रही हैं जो मोदी के कट्टर समर्थकों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि किसानों के मुद्दे पर चुप मोदी सरकार से क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ये छोटा सा बच्चा ये बता देगा कि देश के भविष्य के लिए किसान कितने जरूरी हैं। बच्चे का नाम अंगद सिंह है। बड़े होकर अंगद देश के प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं। नाम क्या? अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते हैं। किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं। चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि ये बच्चा जिस भरोसे के साथ ये दावा कर रहा है कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएगा, फिर पीएम बनेगा और अपने दम पर बनेगा, वो लोगों का दिल जीत रहा है। इस बच्चे ने तो ये भी बता दिया कि वो किसानों के लिए काम करेगा। जाते जाते रिपोर्टर ने अपने सवाल से बच्चे को घुमाने की कोशिश की, तो बच्चे ने उल्टा रिपोर्टर की क्लास लगा दी। चलिए आपको इस बच्चे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। नाम क्या? अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहते हैं। किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं। चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग ये शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी। वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है? दो डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है? हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री बनकर? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले देखो किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूंगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव उसके चौराहे पे। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है? इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है? और आपको मैं बता दूं, ये जो बेरोजगारी यस बेरोजगारी और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है, वो छात्रों के लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पे विचार करा जाए। उस पे मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? बिल्कुल। मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार, तुम ना एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए, मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अंधभक्त? अंधभक्त मैं, देखिए अंधभक्त तो मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है, जो भी मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है? इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? और आप क्या पूछ रहे थे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ। चलो ठीक है, चलो ठीक है।